आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि शैतान जो है स्वर्ग में जो लड़ाई हुई उससे पराजित होकर के पृथ्वी पर गिरा दिया गया और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह नहीं रही। और जो उसका अस्तित्व स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक था वो सब खत्म हो गया। और आज हम देखेंगे कि जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने क्या किया। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय पद 13 से अध्याय के अंतिम आयत तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय पद 13 से अध्याय के अंतिम आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और स्त्री को बड़े उकाब के से दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर का की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। और शैतान के जैसे मैंने बताया तीन रूप जो है, पहला रूप जो सांप के रूप में इस स्त्री के सामने आया, दूसरा रूप जो समुद्र के ऊपर जो पशु निकला या समुद्र में से जो पशु निकला, और तीसरा जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ। सो वो हम आने वाले दिनों में कल देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि शैतान जब पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो वो स्त्री और उसकी शेष संतानों से लड़ने को निकला। और जलजलाहट के साथ में, जैसा कि स्वर्गदूतों ने कहा था कि स्वर्ग और उसमें के रहने वालों आनंदित और मगन हो, लेकिन पृथ्वी और उसमें के रहने वालों हाय तुम पर, क्योंकि शैतान बड़ी जलजलाहट के साथ पृथ्वी पर आ गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका समय थोड़ा ही बाकी है। सो आए मेरे साथ इस अध्ययन पर, शैतान जो है जब पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और जब शैतान ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और जो है उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और शैतान का जो अस्तित्व स्वर्ग में था वहां से उसका अस्तित्व का विस्तार खत्म हो गया। लेकिन शैतान मरा नहीं है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, और पृथ्वी पर अब वो पूरी जलजलाहट के साथ में जो है अपना काम करने के लिए आ गया। और लिखा है कि स्त्री को उकाब से के समान दो पंख दिए गए कि वो शैतान के सामने से, उस सांप के सामने से जो है जंगल को भाग जाए जो उसके लिए तैयार की गई थी, जो जगह उसके लिए तैयार की गई थी, वहाँ वह जो है कुछ समयों और आधे समय तक पाली जाए। सो जैसा मैंने बताया कि इज़राइल जो है वो इस स्त्री का प्रतीकात्मक चिन्ह है, और जो बालक वो जनी वो मसीह यीशु के बारे में, और जैसे मसीह यीशु जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा दिए गए, वो स्त्री जो इज़राइल का प्रतीकात्मक चिन्ह थी वो जो है विल्डरनेस की तरफ, जंगल की तरफ जो जगह उसके लिए तैयार की गई थी वो जगह में वो चली गई। सो आपको याद हो कि मसीह यीशु के बाद में फिर से रोमी शासन आया, और पिछले 2000 साल से इज़राइल जो है एक निष्कासित जीवन जीता रहा। इज़राइल का कोई आता पता नहीं था, और न सिर्फ मसीह यीशु के पहले, ये नबुकदनज़र और एज़रा और नहेमिया
के समय के बाद में फिर से जब नबूकदनज़र वापस आया, उसने फिर से तीसरी बार हमला किया और इज़राइल के लोगों को बंधुआई में ले गया और वाचा का संदूक चला गया और इज़राइल का अता पता जो है वो ना रहा। और तब से लगा करके अब तक सन 48 तक, 14 मई 48 तक जो है इज़राइल जो है एग्जाइल का जीवन, निष्कासित जीवन जीता रहा। और 1948 में जा करके उसका जो है स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। सो इतना समय जो है निष्कासित जीवन जो इस स्त्री या इज़राइल के लिए कहा गया था वो पूरा हुआ और शैतान ने देखा कि वो हार गया है। सो उस स्त्री को मारने के लिए उसने अपने मुंह से जो है नदी के नए पानी बहाया। और आगे देखें लिखा है, और उस स्त्री को बड़े उकाब कैसे दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस स्थान या उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और उस स्त्री को जो है उकाब कैसे दो पंख दिए गए कि एग्जाइल का जीवन जो है निष्कासित जीवन जो है करीब इतना जो उसके लिए ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से वो जाए और पृथ्वी के हर स्थानों में जो है ये लोग बिखर गए। इज़राइल का पता न रहा और जिस जिस देश में रहे वहां एक कहावत कहते रहे, नेक्स्ट ईयर टू इज़राइल, नेक्स्ट ईयर टू इज़राइल। सो ये जो है लोग जो है सारी पृथ्वी पर बिखर गए थे और शैतान ने इनको नाश करने के लिए जो है अपनी ताकत लगा दी। और स्त्री के को मारने के लिए उसने नदी की से बाढ़ बहा दी, लेकिन लिखा है पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उस पानी को जो शैतान के द्वारा बाढ़ लाई गई थी उस पानी को उसने पी लिया और स्त्री को बचा। ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ, ये प्लानिंग की ओर से हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ। और शैतान जो है उस स्त्री को मारने के लिए तैयार हुआ, तो न सिर्फ स्वर्गदूतों ने वरन पृथ्वी ने प्रकृति ने जो है उस स्त्री की मदद करी। और जो है शैतान जो है लिखा हुआ है उसके बाद में कि सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी में बहा दे। फिर से प्रतीकात्मक चिन्ह है, एक कैलामिटी या जो तकलीफें हैं वो उसने शुरुआत करी। और ये कि उस नदी के द्वारा उस स्त्री को मार डाले, पानी में बहा दे, कैसे भी करके उस स्त्री को भी मार डाले। पहले उसने मारने की कोशिश करी उसके द्वारा जने गए बच्चे को कि वो निगल जाए, तो बच्चा जो है परमेश्वर की गोद में पहुंचा दिया गया जो राजदंड लिए हुए पैदा हुआ था, और वो कोई और नहीं, वो मसीसु, और वो स्त्री कोई और नहीं, वो इज़राइल। और इज़राइल को उसने तकलीफ इतनी दी कि 2000 साल से ज्यादा समय तक वे जो है निष्कासित जीवन जीते रहे, अपने देश से दूसरे देशों में जो है विस्थापित हुए, भटकते फिरे, अपना देश देखते रहे, पीढ़ियां गुजर गईं। लेकिन परमेश्वर ने जो समय ठहराया था उस समय के अनुसार परमेश्वर उन्हें फिर से इज़राइल में लेके आया और इज़राइल राष्ट्र की स्थापना परमेश्वर के द्वारा हो गई। लगभग 70 साल हो गए हैं इज़राइल को अब आजाद हुए और परमेश्वर की योजनाएं जो हैं धीरे धीरे करके पूरी होती जा रही हैं। सो उस सर्प ने जो है अपने मुंह से ऐसा
नदी बहाई और पृथ्वी ने उस अपना मुख खोला और उसके सारे पानी को जो है वो निगल लिया और स्त्री को सेफ रखा, स्त्री को सेफ रखा। और अजगर ने उस स्त्री इज़राइल को जो है नष्ट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, सारी ताकत लगा दी, यहां तक कि वे पृथ्वी के हर कोनों में बिखर गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। और परमेश्वर अद्भुत रीति से इन्हें फिर लेकर के आया, फिर लेकर के आया और इज़राइल राष्ट्र की स्थापना हुई। सो लिखा है पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर से अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। अर्थ जैसा मैंने बताया पृथ्वी पर ये कैलामिटी या ये विपत्ति आई और अर्थ के लिए जो शब्द आया वो जी यानी अर्थ। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उस स्त्री की सहायता करी और लिखा है और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर का परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अजगर उस स्त्री पर बड़ा क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं उनसे लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सो वे लोग अब उसने पहला टारगेट जो है उस स्त्री के बच्चे को बनाया, फिर स्वयं स्त्री को बनाया, अब स्त्री की शेष संतानों को जो यीशु के गवाही देने पर और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने पर स्थिर रहे उनसे लड़ने को गया। और आप सोच सकते हैं कि जो है इतना जबरदस्त क्रोध में वो है परमेश्वर की संतानों पर आ पड़ा और सारा संसार जो है उसके वश में, सारे लोग जो है मैक्सिमम वे उसके अधीन है, अधिकारी लोग उसके अधीन है, मध्य आकाश की सेनाएं उसके अधीन है और जो है उसने अपनी सारी फोर्स लगा दी परमेश्वर के लोगों के लिए विरुद्ध में। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जैसा ऊपर लिखा गया है, हमने 11वीं आयत को मैंने कहा था अंडरलाइन करें कि वे यीशु के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने भी उन्हें नहीं छोड़ा अकेला, परमेश्वर उनके साथ उनकी मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा और मृत्यु के बाद भी परमेश्वर उनके साथ है। सो ये हमारे लिए आशा है। सो क्रोध के लिए जो शब्द आया है वो है ओरिगो, ग्रीक में जो शब्द है ओरिगो, और शेष या बचे हुए लियोपोय जो बचे हुए हैं उनके लिए, शेष संतानों के लिए, और संतान जो है सीड स्पर्मा, संतान जो है वो हिंदी में आया है लेकिन अंग्रेजी में सीड और ग्रीक में स्पर्मा, और वे जो आदम से पैदा तो हुए थे, आदम के गुण उनमें थे, हवा के गुण उनमें थे लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा करके उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया था। सो जो है उनके लिए जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ, बचा रखे थे,
to keep, to watch, किरियो, ये शब्द ग्रीक में जो थे कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, आज्ञाओं के लिए जो शब्द आया है इंटॉल, और यीशु मसीह ने बराबर कहा मत्ती रचित सुसमाचार में सातवें अध्याय में यही कहा यीशु मसीह ने कि धन्य वे जो मेरी आज्ञाओं को मानते। हो सकता है कि उस दिन कई लोग कहें कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म करे, लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों। सो पहली चीज इनमें क्या थी, कुकर्म कर रहे थे, आश्चर्य कर्म तो कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं तो निकाल रहे थे और जो है और अद्भुत काम कर रहे थे, लेकिन काम कैसे थे, कुकर्म वाले थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सो न सिर्फ हमें प्रभु के पीछे चलना है लेकिन प्रभु के समान बनने की कोशिश करते रहना चाहिए और आज्ञाओं को मानते। इसलिए अंत में भी प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य में कहा, धन्य वे जो मेरी आज्ञाओं को मानते, मैं इससे जानता हूं कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। और गवाही के लिए जो शब्द आया है मार्टुरा, मार्टुरिया, मार्टुरिया वो गवाही जो शैतान पे जय प्राप्त करवाती है, जो शैतान पर विजय दिलवाती है। और गवाही के लिए हमने इसी प्रकाशित वाक्य में जो है गवाही पर एक पूरा एपिसोड लिया है, आप चाहे तो उसको पिछली बार खोल करके देख सकते हैं। ऐसी गवाही जो शैतान पर जय प्राप्त कराती है, उसके 8 क्राइटेरिया हमने देखे थे। सो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सो लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानने और अपनी गवाही के वचन पर स्थिर है, उनसे लड़ने को गया और जा करके बालू पर, समुद्र के किनारे या समुद्र की बालू पर खड़ा हो गया। और परमेश्वर के वे लोग जो पृथ्वी पर है, उसके लिए स्वर्गदूत ने पहले ही कहा हाय हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है, जानता है उसका समय थोड़ा ही है। सो प्रभु जो है अपने वचन पर आशीष दे। और फिर से हमें ये चेतावनी मिली कि हम जो है प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु के वचन पर उसकी अपनी गवाही पर स्थिर रहें और प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, शैतान कितना भी सताए। इसीलिए इफिसियों में कहा है उसके 6 अध्याय में कि जो है तैयार हो, क्योंकि हमारा युद्ध इस लहू और मांस से नहीं वरन शैतान और उसके सेनाओं से, उसकी फोर्सेस से है। सो उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य का कटिबंध, मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में विश्वास की ढाल, एक हाथ में जो है तलवार वचन रूपी, उसको लेकर के हमेशा तैयार रहें, जागते रहें, क्योंकि हमारा कमांडर प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके सैनिक हैं, हमारा महायाजक है, हम याजक हैं। सो क्या आप चाहते हैं कि प्रभु की इस सेना में शामिल हो, प्रभु के इन लोगों में शामिल हो और अनंत जीवन की राह में जो है अपने निर्णय कर सके? आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके उन लोगों के लिए प्रभु जो आप में इतने स्थिर रहे कि अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, उन्होंने अपनी मृत्यु को जो है आपके लिए न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन को आपके लिए न्यौछावर कर दिया, आपके वचन में बने रहे, आपकी आज्ञाओं को पालन करते रहे और अपनी गवाही देने पर स्थिर रहे। शैतान ने तकलीफ दी लेकिन आपने उन्हें नहीं छोड़ा, हालांकि वे समय से इस पृथ्वी पर से जाते रहे लेकिन आपने अपने लोगों को तैयार कराया। जब एलिया ने कहा प्रभु मैं अकेला बचाऊं, तो आपने कहा उससे कि नहीं एलिया,
तेरे साथ और 400 नबी हैं जिनको मैंने तैयार कर रखा है, जिन्होंने उस बाल के आगे अभी तक अपने घुटने नहीं झुकाए हैं। सो प्रभु धन्यवाद ऐसे संतों के लिए। मैं भी चाहता हूं प्रभु कि मैं आपके चरणों में अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य बनाऊं और प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें, मुझे अपनाए प्रभु, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए और ये सौभाग्य दें कि मैं भी अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार हूं। धन्यवाद प्रभु फिर से आपके सुंदर वचन के लिए जो आपके अनुग्रह से यहां तक पहुंचा है। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।